हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके में। और आज हम बात करेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकॉम रिजल्ट 2019 के बारे में। आपको बताएंगे आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकॉम रिजल्ट 2019 की मेरिट लिस्ट कब आएगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी, इसके बारे में हम पूरा बताएंगे इस वीडियो में। हमारे साथ बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकॉम रिजल्ट 2019 के बारे में हर अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले मिले। दोस्तों बात करते हैं आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकॉम रिजल्ट 2019 के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है 24 मार्च 2019 को इसका पेपर हो चुका है और आईटीबीपी द्वारा इसकी संशोधित आंसर की भी जारी कर दी गई है। और अब जो है मेरिट लिस्ट जल्द ही इसकी आ जाएगी। और मेरिट लिस्ट कैसे आपको चेक करना है हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। और मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद मेरिट लिस्ट का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध कराया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट nvshq.org पे आके भी अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। और वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो दोस्तों आईटीबीपी की तरफ से कांस्टेबल टेलीकॉम की मेरिट सूची जो है केवल ऑनलाइन जारी की जाएगी और कोई अन्य तरीका नहीं है आईटीबीपी कांस्टेबल मेरिट सूची देखने के लिए। और आपको मैसेज या ईमेल के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा, आपको ऑनलाइन ही आईटीबीपी की वेबसाइट पे देखना होगा। दोस्तों आपको मेरिट लिस्ट की पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध कराई जाएगी और आप आईटीपीपी कांस्टेबल टेलीकॉम रिजल्ट 2019 से रिलेटेड हर नई अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट करते रहें। दोस्तों आपको आईटीपीपी कांस्टेबल टेलीकॉम 2019 का रिजल्ट कैसे देखना है, आपको मेरिट लिस्ट कैसे देखनी है, इसके लिए हम बता रहे हैं। आपको सबसे पहले आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम ये आईटीबीपी की वेबसाइट पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ रिजल्ट में लिंक दिखाई देगा, मेरिट लिस्ट दिखाई देगी आपको। आपको मेरिट लिस्ट वो खोल लेना है और मेरिट लिस्ट खोलने के बाद आपको उसमें अपना नाम ढूंढ लेना है। अगर आपका नाम उसमें होगा तो आप चुन लिए गए हैं अगली प्रक्रिया के लिए। तो दोस्तों आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकॉम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी, इसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामान्य वर्ग के लिए 35% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 33% और ओबीसी वर्ग के लिए 33% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35% कट ऑफ इसकी जा रही है। और कट ऑफ जो बनेगी आपकी लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर कट ऑफ बनेगी। और मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनको उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अंतिम परिणाम जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और आईटीपीपी कांस्टेबल टेलीकॉम रिजल्ट 2019 से रिलेटेड हर नए अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आईटीपीपी कांस्टेबल टेलीकॉम रिजल्ट 2019 से रिलेटेड हर नए अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज मिले। धन्यवाद।